सात दिन का भागवत कथा था वो, यही मंदिर स्थल में हुआ था मेरी माँ की पुण्यतिथि में। तो मेरे गुरुदेव ने मेरे भाई को बोला कि मेरे को बहुत ही आवश्यक कार्य से जाना पड़ेगा। तो सच्चे मन से मेरे भाई ने यहाँ प्रार्थना की माता जी से, टिकट भी उनका पूर्ण हो चुका था, तो वो ट्रैफिक में जाके फंस गए। अच्छा, रायपुर के उन्होंने अपने कार में पेट्रोल डीजल की पूरा व्यवस्था कर लिए थे, लेकिन माता रानी का ऐसा चमत्कार हुआ कि वो। तो नमस्कार, जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं उत्कर्ष श्रीवास्तव, आप सभी जम्मू संगवारी मन के आपके अपने चैनल संगवारी छत्तीसगढ़ चैनल में जय जोहार कर रहता हूँ। जैसे कि संगवारी हो, अभी मोर कर भोलू तिवारी महाराज जी अभी मोर पास उपस्थित है। महाराज जी संग आज गुड़ बात करबो, जानबो कि जो मंदिर के जो कतका साल ले महाराज जी सेवा सद्भाव कर रहे थे और कतका साल हो गए यहाँ मंदिर में सेवा दे। महाराज जी से मंदिर के अभी हमन मुख्य केंद्र में हवन, गर्भगृह के स्थान के सामने में हवन, तो माता जी के ऐसे का चमत्कार आपके जीवन में भी देखे मिली से, और जो यहाँ श्रद्धालु जनमन आते तो ऐसे का चमत्कार आप मान लो उखर मन के जीवन में देखे मिली सब। मेरे जीवन में आप बोला तो व्यक्तिगत, तो यहाँ श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन मेरे परिवार द्वारा, अरुण तिवारी द्वारा किया गया था। तो छत्तीसगढ़ में एक चर्चा का विषय रहता है कि जो पंडित ब्याज गद्दी में बैठ जाता है तो वही मतलब कथा पूरा किया, उनके द्वारा कथा पूरा किया जाता है। तो मेरे गुरुदेव द्वारा यहाँ भागवत कथा का आयोजन था, तो सात दिन का भागवत कथा था वो, यही मंदिर स्थल में हुआ था मेरी माँ की पुण्यतिथि में। तो तीन दिन कथा शुरू हुआ था और मेरे गुरुदेव ने मेरे भाई को बोला कि मेरे को बहुत ही आवश्यक कार्य से जाना पड़ेगा, मेरी जगह मेरा छोटा भाई आके कथा को करेंगे, उसके बाद मैं वापस तीन दिन के बाद आ जाऊँगा, कथा को पूर्ण करूँगा। तो मेरे छोटे भाई गुड्डू ने बहुत प्रार्थना किया कि नहीं गुरुदेव, आप जैसे व्यासपीठ को छोड़ के चले जाएंगे तो कई प्रकार की चर्चा होगा कि व्यासपीठ को गुरुदेव ने छोड़ के चला गया है, अनगल बातें होती है और ये सब मतलब व्यासपीठ में मतलब शोभा नहीं देते, छत्तीसगढ़ में मतलब ये होता है। तो नहीं, मेरे को जाना आवश्यक है, ऐसा कहकर मतलब वो बोले जी। तो हमने भी मतलब हाथ जोड़ दिए गुरुदेव के सामने में, और एक निश्चित समय में उनका यहाँ से मतलब चले गए। तो मेरे छोटे भाई ने माता जी से प्रार्थना किए यही विंध्यवासिनी मंदिर में कि गुरुदेव ने आज कथा को पूर्ण करके रात को वो गए रायपुर, और तो कम से कम उन्हीं के द्वारा कथा को पूरा किया जाए और खंडित ना हो, वही व्यासपीठ में मतलब बैठे, क्योंकि कथा का समय 3 बजे का था। अच्छा जी, और वो रात्रि को मतलब 8 बजे यहाँ से गए। तो सच्चे मन से मेरे भाई ने यहाँ प्रार्थना की माता जी से कि यदि ऐसा चमत्कार हो जाए कि वो कोई भी कारण या कोई भी ऐसे वो वापस यहाँ आके कथा को उन्हीं के द्वारा खंडित ना हो और पूरा उन्हीं सातों दिन उन्हीं के द्वारा वाचन किया जाए। तो माता रानी का ऐसा चमत्कार हुआ कि वो यहाँ से तो चले गए, हमने उनको व्यवस्था किए भेजे, और रायपुर में उनके शिष्य थे, उनको पहले से बता दिया गया था मोबाइल के द्वारा कि मैं आ रहा हूँ कहकर। तो उन्होंने अपने कार में पेट्रोल डीजल की पूरा व्यवस्था कर लिए थे, लेकिन माता रानी का ऐसा चमत्कार हुआ कि वो उस कार में बैठे और माना के लिए रवाना हुए हवाई जहाज पकड़ने के लिए, टिकट भी उनका पूर्ण हो चुका था, तो वो ट्रैफिक में जाके फंस गए। अच्छा, रायपुर के ट्रैफिक में जी। और उनका प्लेन का समय था 10 बजे। अच्छा अच्छा, तो उस माना हवाई अड्डे पे वो 11 बजे पहुँचे। अच्छा 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 जी। तो जब वहाँ पे पता किए, प्लेन के बारे में जानकारी लिए गए उनके शीशे के द्वारा, तो बताया गया कि प्लेन तो उड़ गया है और दूसरा प्लेन का समय 4 बजे है। तो गुरुदेव ने निश्चित किया कि नहीं, मैंने माँ को छोड़ के आया है, कथा को मेरे द्वारा पूर्ण करना है, तो मैं वापस धमतरी माँ के कथा स्थल में जाऊँगा। अगर हमको फ़ोन के द्वारा सूचना दिया गया तो हमारे परिवार में खुशी का ठिकाना नहीं रह गया, और उन्हीं के द्वारा कथा को पूर्ण हुआ भागवत कथा।
ये मेरे जीवन का मतलब हमारे परिवार में माता रानी का आशीर्वाद है और चमत्कार। अच्छा जी जी,